चुनाव को देखते हुए डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम जी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। आज दिनांक 24 जनवरी 2022 को लक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीडीआर मॉल में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम सर ने अपने टीम के साथ पूरे मॉल की अच्छे से चेकिंग और संदीप जगाओ को डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा चेक कराया गया। इसमें दशा सुमेर, सहायक आयुक्त अवधेश कुमार पांडे थाना और लक्सा थाना प्रभारी मिथिलेश यादव और दशाश्मेल थाना प्रभारी आशीष मिश्रा जी एवं दशाश्मेल थाना प्रभारियों के साथ गिरजाघर चौराहे से गुदौलिया व पीडीआर मॉल में चेकिंग अभियान चलाया गया। ये हमारे जो एसीपी दशाश्मेल हैं और हमारे एसओ जो है लक्सा हैं, दशाश्मेल हैं और साथ ही साथ हमारी एस चेक टीम है, डॉग स्क्वाड टीम है, आदि सारी टीमों के द्वारा जो संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु आदि की जो है चेकिंग की जा रही है, जिससे लोगों में सुरक्षा का भी भाव जागृत हो और इस तरह के यदि कहीं कोई व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। आने वाले जो हमारे 7 मार्च को जो है मतदान दिवस रहेगा वाराणसी में, उस संबंध में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के संबंध में आने वाले पर्वों को दृष्टिगत लोगों में सुरक्षा का एहसास हो और किसी प्रकार की कोई जो है आचार संहिता का वायलेशन ना होने पाए, कोरोना प्रोटोकॉल का वायलेशन ना हो, इन सभी के दृष्टिगत ये विभिन्न चौराहों पे चेकिंग कराई जा रही है। कब से प्रारंभ हुआ है और कब इसका समापन होगा? अब ये तो कोरोना प्रोटोकॉल आप जान ही रहे हैं, कोरोना कब जो है समाप्त होगा ये तो निश्चित रूप से जब सब लोग सेफ हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मालूम ही चल जाएगा। और आदर्श आचार संहिता पूरे कमिश्नरेट में लागू हुई है और ये हमारे 10 मार्च को मतगणना होगी, उसके बाद आदर्श आचार संहिता जैसे ही आदेश होगा माननीय चुनाव आयोग का, उसके अनुरूप समाप्त होगी। सर, लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मैं यही चाहूँगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का निश्चित रूप से सभी लोग पालन करें, आदर्श आचार संहिता का कहीं वायलेशन ना होने पाए और जो हमारा धारा 144 CRPC पूरे कमिश्नरेट में लागू है उसके भी प्राविधानों का सभी लोग पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।